तो हाय गाइस, बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो तुम कह रहे होगे आज तुम्हारा भाई पूरे एक साल बाद बैक किया है। हम एक मुहिम पे बिजी हो गए थे। दरअसल हमारा छोटा सा मिशन था एक, वो हम लोगों ने कामयाब कर लिया अपना, और हम दोबारा से अब इंशाल्लाह डेली बेसिस पर वीडियोस डालेंगे। तो मेरा बैक करने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं अब अच्छी चीज़ें लेके तुम लोगों के पास वापस लौटूं, क्योंकि तुम लोग असील के शौकीन हो, ठीक है, और मेरे सब्सक्राइबर भी आधे से ज़्यादा असील्स के ही थे। तो मैंने कहा कि तुम लोगों का वही शौक करवाया जाए। तो ये छोटा सा सेटअप हमने अपनी छत पर अरेंज किया, ठीक है, खान साहब के साथ मिलकर। तो अब मैं तुम लोगों को सबसे पहले ये बताऊँगा कि ये हमारे सेटअप में कितना खर्चा लगा। हाँ भाई खान साहब, कितना खर्चा लग चुका हमारा टोटल फ्रेम फ्रेम का? फ्रेम पर हमारे 8,000 रुपये लगे। फ्रेम पे हमारे 8,000 रुपये लगे। हमारे 50,000 रुपये लग चुके। पूरे सेटअप पे 50,000 लग चुके हैं हमारे, ठीक है। और सेटअप के मैं तुम लोगों को अपने छोटे से हमने सेटअप में जो मुर्गे डाल रखे हैं वो हम दिखाते हैं तुम लोगों को। हाँ भाई, ये कौन सी है? हीरा मुर्गा। ये हमारा हीरा मुर्गा है बोस का, और मुर्गी इसके साथ हीरी पट्टी है। हीरा दोनों हीरा ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह से, तुम लोग देख सकते हो साइज। और ये चीना मुर्गा है, फिलहाल ये ग्रीस के अंदर है। ग्रीस के अंदर है फिलहाल ये मियाँ वाली में। और ये कौन सी है? ये भी मियाँ वाली की मुश्की मादा है। अब पीछे चली गई, ये डर गए। ओल्ड ब्लड लाइन की मुश्की मादा है। और ये हमारे पास लाखा सिंधी का जोड़ा है। लाखा सिंधी का जोड़ा, इसके साथ हमने दो मादा और मुर्गियां डाली हुई हमने इसके साथ ना अंदर है। वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह तुम लोगों को निकाल के दिखाएंगे हम। और ये हमारे पास कौन सी है? ये भी शजरी है। ये भी शजरी मगोई आंखों में, वो तुम लोगों को सारा शौक इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम करवाते जाएंगे साथ के साथ ही। ये हमारे पास वो है बच्चा इनका, ये किसका बच्चा निकला था? ये हमारा निकला था शजरी मादा थी। शजरी मादा इनका नीचे वालों का? नहीं नहीं, चीना मुर्गा था और मादा उसके साथ वाली। चीना मुर्गा वो वाला, और इस वाले का जो है हमारे पास ये वाला बच्चा निकला, ठीक है। डेढ़ महीने का साइज देख लो, तीन बच्चे इनके मैं ले गया था घर में, वो भी तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये मुर्गी हमारी अंडों पे थी, अभी अंडों से फारिग हुई है। ये बच्चे सेल हो गए ना इसके, हमारे बच्चे साथ के साथ ही सेल हो गए थे, यानी कि ये डिमांड है हमारे सेटअप की माशाल्लाह से। तो उम्मीद है तुम लोगों को सेटअप हमारा अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा हमारा सेटअप था, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के साथ, मुर्गों का शौक शौक करवाते हैं, और जो हमारे पास तजर्बा है इनके बारे में मालूमात है इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ जो है हम तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।